हाँ आंटी जी, क्या बना रहे हैं आप? पराठे बना रहे हैं। पराठे बना दे। कितने साल से आप दुकान खोल रहे हैं यहाँ पर? 30 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया, कब से आया, मतलब कि आपको ये काम करना चाहिए स्ट्रीट फूड? मेरा एक शौक है बनने का। जी जी। और मेरे को मतलब थोड़ा अच्छा लगता था कि मैं ये काम करूँ। जी जी। मेरी भी एक दुकान होए। हाँ, इसलिए काम करा। हाँ मतलब ये है कि मतलब अपना खुद पे सेल्फ डिफेंस रहना। हाँ। कि खुद काम करना चाहिए। आजकल ज़्यादातर लड़कियाँ नहीं करती, लड़कियाँ नहीं करती। हाँ तो मतलब दिक्कत आई। जी जी। तो ये मतलब क्या कहते हैं, आपको कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अच्छा, तो ये मैम जैसे आप ऐसे क्या क्या देते हैं इसमें बताएंगे? आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? अब तो है पराठे आलू के, और एक सब्जी बनाती हूँ जी। एक सब्जी बनाती हूँ। तो टोटल कितने का प्राइस है, मतलब आपका पूरा पैक सब कुछ मिला? 20 रुपये के दो पराठे देती हूँ। 20 रुपये की एक चाय देती हूँ। 20 रुपये के दो पराठे और 10 रुपये की एक चाय। अच्छा अच्छा, तो हमारे भी बना दीजिए चाय और पराठे, आपके खाइए आज और स्वाद देखेंगे कैसा है। और चलिए आप बना के दीजिए, फिर हम स्वाद लेते हैं। तो ये मैंने पराठे ले लिए, आप देख सकते हैं। तो देख रहे हैं पराठे और चाय खा लिए। ये किस चीज़ की सब्जी है? आलू बैंगन की सब्जी। भिंडी भी है, भिंडी भी दे दीजिए। एक आपको अभी ये आपकी भिंडी की सब्जी। ये आप कितने रुपए में देते हैं सर? 20 रुपए में। आंटी जी ने हमें दो पराठे दिए और यहाँ पर दो तरह की सब्जी है, एक आपका थोड़ा बैगन आलू मिक्स है और आपको इसमें थोड़ा भिंडी की सब्जी मिलेगी। तो 20 रुपए में आपको देख सकते हो, इतना अच्छे कहीं अलावा नहीं मिलेगा इतना सस्ते चीप में। तो मैं अभी इसका जायका लेता जाता हूँ। अगर कोई आपका आना चाहते हो अगर यहाँ पर खाने के लिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। निर्माण विहार आपका मेट्रो स्टेशन है लक्ष्मी नगर का, तो वहाँ से आप सीधा BSS आपका ये दिखेगा, आप देख सकते हैं। तो आपसे उसके सामने आपका यहाँ पर आंटी जी एक स्टॉल खोल रही है, आप देख सकते हैं। जैसे पराठे आपको चाय मिलेगी, तो इधर पराठे खा के देते हैं। आप देख सकते हैं आलू के पराठे हैं, तो मैं थोड़ा सब्जी लूँगा इसके साथ। ये मैंने अभी आलू और बैंगन की सब्जी ली है। पराठे बहुत अच्छे हैं आपके, आलू बैंगन बहुत स्पाइसी है, थोड़े चटपटे हैं, बढ़िया स्वाद है, आप खा सकते हैं यहाँ पर आकर। मैं थोड़ा भिंडी की सब्जी भी लूँगा, बहुत टेस्टी है। अगर आपको आना है तो एड्रेस मैं आपको अभी आपको दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन में शो कर दूँगा। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आसपास कैसे मैम ने लगा रखा खाना। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही।